गुड मॉर्निंग छात्रों, आज की वीडियो में हम जो है ब्रूडकोष के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो है नवी वीडियो में हम जो ब्रूड के बारे में बताए थे, ब्रूड का डेवलपमेंट कैसे होता है, आज हम जो है ब्रूडकोष के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो है इस फिगर को देखिए, ये जो है एक ब्रूडकोष है, इम्ब्रियो साइट या ब्रूडकोष के अंदर जो है, जब हम पिछले वीडियो में पढ़ा रहे थे तो ब्रूडकोष के बारे में बताया थे कि सामान्य ब्रूडकोष जो होता है 7 कोशिकी और 8 केंद्रकी। ऊपर देख रहे हैं एंटीपोडल सेल है, इसमें 3 केंद्रक है। नीचे जो देख रहे हैं एक सेल है, 2 जो है सेरेटिक कोशिका है। इन तीनों में एक एक 6 केंद्रक हो गए। यहाँ पर बीच में पोलर न्यूक्लियाई है, दो केंद्रकों के मिलने से होता है। इस तरह से देखा जाए 3, 3, 6, 2, 8 केंद्रक हो गए। कोशिका देखा जाए तो वो जो है 3 कोशिका, ये नीचे 3 कोशिका, 6 हो गया 1, 7 कोशिका। तो भ्रूण और भ्रूणकोष का विकास किन कोशिकाओं से होता है उसको मैं बता रहा हूँ। ये जो है एक सेल जब मेल गैमेट से मिलता है तो भ्रूण का निर्माण करता है, और जब ये पोलर न्यूक्लियाई से मेल गैमेट मिलता है तो उससे भ्रूणकोष बनता है। ये जो है पोलर न्यूक्लियाई जो है पॉलिक्लोनियल कंडीशन में होता है, डिप्लॉयड होता है। जब इससे जो है मेल गैमेट मिल जाता है आकर के, यहाँ से 2 मेल गैमेट आते हैं एक पराग नली से, तो ये किससे मिलता है, एक मेल गैमेट दूसरा वाला जो है उससे मिलता है। इससे तो भ्रूण बनता है, इससे भ्रूणकोष बनता है। तो आज हम जो है भ्रूणकोष के बारे में पढ़ेंगे। भ्रूणकोष क्या है? एक जो है त्रिगुणित भ्रूणकोष जो है डिप्लॉयड उत्तक, जो एक जो है पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट के मिलने से बनता है। इसमें देख रहे हैं जो पोलर न्यूक्लियाई है वो जो है 2n कंडीशन में है, और ये जो मेल गैमेट आ रहा है वो n कंडीशन में होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये जो भ्रूणकोष जो है 3n कंडीशन अर्थात डिप्लॉयड होता है, त्रिगुणित। यदि पूछा है कोई परीक्षा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे कि जो है भ्रूण के अंदर जो भ्रूणकोष कैसी अवस्था में रहता है, उसमें कुल सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो उसको बताएंगे 3 गुना, सामान्य रूप से त्रिगुणित। यदि एक मात्र एक सामान्य पौधे की पत्ती में जो है 6 गुणसूत्र हैं, पत्ती में 6 गुणसूत्र हैं, तो उसके भ्रूणकोष में पूछे कितने गुणसूत्र होंगे, तो उसका 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 36, 18 गुणसूत्र हो जाएगा। तो भ्रूणकोष जो है त्रिगुणित उत्तक है, जो भ्रूण के बनने से पहले, भ्रूण के बनने से पहले जो है बनता है, अर्थात जो है भ्रूणकोष का निर्माण जो है पहले होता है, भ्रूण का निर्माण बाद में होता है। फिर इसके बाद जो है इसके जो है कार्यों को जो है देखा जाए तो ये भ्रूण का मुख्य रूप से पोषण करता है, आगे मैं बताऊंगा। अब इसकी जो है कोशिका विभाजन और संरचना के आधार पर भ्रूणकोष को जो है 3 भागों में बांटा गया है, कोशिकीय भ्रूणकोष, केंद्रकीय भ्रूणकोष और एलोवियल भ्रूणकोष। तो सबसे पहले मैं जो है कोशिकीय भ्रूणकोष के बारे में बताता हूँ। इसे इंग्लिश में सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। इसमें देखते हैं कि जैसे पोलर न्यूक्लियाई की कोशिका फर्स्ट डिवीजन मतलब पहला विभाजन होता है, तो विभाजन होने के बाद एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बट जाती है। अब बटने के बाद जो उसका जो केंद्रक होता है 2 भागों में बट गया, और केंद्रक में अपने चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेता है। फिर उसके बाद जो डिवीजन होता है उसी तरह से होता रहता है। जैसे इसमें देख रहे हैं आप इस फिगर में कोशिकी वाले में, ये जो है प्रत्येक केंद्रक के विभाजन के बाद एक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, अर्थात प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ कोशिका भित्ति बन जाती है। इसी कारण जो इसे जो है सेलुलर एंडोस्पर्म अर्थात कोशिकी भ्रूणकोष के नाम से जानते हैं। इसमें जो है इसके बीच में जो है किनारे साइड में माइक्रोपाइल्स की साइड में भ्रूण होता है, और यह भ्रूण जो है भ्रूणकोष से
ओजन लेकर के, पोषक तत्व को लेकर के उसी बीज के अंदर सुरक्षित पड़ा रहता है। इस प्रकार का ग्लूकोज यदि बेंथम और हुकर के अनुसार देखा जाए तो पुष्पी पौधों को जो है तीन समूहों में डिवाइड किया गया है, उनकी पेटल की अरेंजमेंट के हिसाब से, पॉलीपिटैली, गैमोपिटैली और मोनोप्लेमाइड। तो पॉलीपिटैली का मतलब, जैसे मैं पुष्प का वर्णन किया था तो उस समय मैं आपको बताया था कि फूलों के बारे में कुछ बताया था, पेटल के बारे में बताया था। जैसे पुष्प का जो है पहला चक्र जो होता है दल होता है वाय दल, दूसरा जो दल होता है, तीसरा कुंभ केसर और चौथा स्त्री केसर। तो एक जो है वाय दल को जो है सेपल करते हैं पेटल, और दूसरे जो नहीं जो दल होता है वाय दल उसे जो है पेटल करते हैं, नहीं सेपल उसे कहते हैं, जो सबसे बाहर होता है। जैसे एक पुष्प देखा जाए ऐसे बना करके, तो इसमें आप इस तरह से देखेंगे ये जो है पंखुड़ी होती है, इसे जो है हम सेपल कहते हैं, ऐसे क्या कहेंगे पेटल। पेटल का मतलब करोड़ा। तो जिन पुष्पों में जो है ये पेटल जो है अलग अलग होते हैं, मतलब जो है करोला क्या होते हैं पंखुड़ी, प्रत्येक पंखुड़ी अलग अलग हो जाए, उसे हम किस श्रेणी में रखेंगे पॉलीपिटैली। जैसे आप देखेंगे सरसों है, सरसों के पुष्प को देखेंगे तो उसके सभी जो पीले पीले पंखुड़ी अलग हो जाती है। फिर उसके बाद जो है गुड़हल में भी देखेंगे, उसमें जो है पेटल जो है अलग होते हैं। तो कहने का मतलब कि जिन पुष्पों के दल जो है अलग अलग होते हैं उसमें जो है कोशिकी एंडोस्पर्म पाया जाता है, पुरुषी पेरिकुल, सरसों हो गया, मूली हो गया, फिर उसके बाद जो है मूली, सज्जम, ये जो है पुरुषी पेरिकुल के पौधे हैं, उसमें इस प्रकार का जो है ग्लूकोसर पाया जाता है। लेगुमिनेसी कुल में भी इस तरह की कंडीशन होती है, जैसे आप देखेंगे दाल है, फिर उसके बाद जो है चना मसल मूंग मसूर, ये सभी जो है पॉलीपिटैली के अंतर्गत आते हैं। तो पॉलीपिटैली मतलब जिनका पैटर्न जो अलग अलग हो उसमें जो है उसकी प्रकार का ग्लूकोसर पाया जाता है। दूसरा नंबर देखते हैं केंद्र की सिर्फ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसे क्या कहेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस प्रकार के भ्रूणकोष में देखेंगे आप कि जो है भ्रूण बनने से पहले भ्रूण कोष या पोलर न्यूक्लियाई ट्रिप्लॉयड जो केंद्रक होता है वो विभाजित होता है। विभाजित होने के बाद जो है एक केंद्रक दो केंद्रक में बना बटा तो अपने चारों तरफ वो भित्ति का निर्माण नहीं करता है, केंद्रक की अवस्था में रह जाता है। इसमें जो केंद्रक नहीं रहता है, केंद्रक न्यूक्लियर केवल केंद्रक रहेंगे और तरल पदार्थ उसमें पड़ा रहेगा। फिर इसके बाद जो इसे जब ऐसी अवस्था रहेगी जिसमें बीच में जो हॉलो कोटी या खाली जगह भी बन जाती है जिसे वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं, खाली जगह, इसे हम जो है केंद्र की ग्लूकोज कहें। केवल केंद्रक रहेगा, केंद्र के चारों तरफ भित्ति का निर्माण नहीं होगा। इस प्रकार का ग्लूकोज गैमोपिटैली, गैमोपिटैली वर्ग के पौधों में पाया जाता है। अर्थात गैमोपिटैली मतलब जिनके पेटल जो है दल जो है आपस में जुड़े हुए हों उसे हम जो है गैमोपिटैली के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट जो तीसरा है वो जो हेलोबियल, हेलोबियल भ्रूणकोष, ये हिंदी में भी इसे हेलोबियल कहते हैं। हेलोबियल का मतलब इसमें आप देखेंगे ट्रिप्लॉयड केंद्रक जो है विभाजित होगा, विभाजित होने के बाद जो है ये जो है पहला जब विभाजन होगा तो एक केंद्रक दो केंद्रकों में बट जाएगा। अब फर्स्ट डिवीजन के बाद ही उसके चारों तरफ जो भित्ति बनेगी, अर्थात जो है पहला जो केंद्रक विभाजित होगा पोलर न्यूक्लियस का, विभाजित होने के बाद जो है अपने चारों तरफ भित्ति का निर्माण करेगा। लेकिन उसके बाद जो डिवीजन होंगे
जो केंद्रक विभाजित होगा दोनों साइड का, उसमें देखेंगे कि जो अपने चारों तरफ वो केंद्रक भित्ति नहीं बनाएगा, भित्ति नहीं बनाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेलोबियल टाइप का, या हेलोबियल कह सकते हैं, दोनों का मिश्रण कोशिकी और केंद्र की। देख रहे हैं पहले भित्ति बन रही है, फिर इसके बाद भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, केंद्रक बन रहे हैं। इस प्रकार का गुणकोष आप सामान्य रूप से जो है मोनोक्लेमाइडी पर भी पौधों में देखेंगे। जैसे आप जो है नारियल है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है नारियल है, उसमें जो है कोशिकी और केंद्र की दोनों प्रकार के गुणकोष पाए जाते हैं। जो नारियल को यदि हम तोड़ते हैं तो बीच में पानी रहता है, वो केंद्र की गुणकोष है, और जो गरी या कोपरा जिसको हम खाते हैं वो क्या है, कोशिकी है, सेलुलर एंडोस्पर्म। देखेंगे जैसे जो है यदि एक नारियल को जो है तोड़ा जाए, तोड़े तो उसमें आप देखेंगे कि इस तरह से बीच में जो है इसके चारों तरफ बाहर जो है काली परत रहती है, और फिर उसके बाद सफेद उत्तक जो है इसके अंदर रहता है, आईसी उत्तक के अंदर यह छोटा सा भ्रूण जो है इसके अंदर पड़ा रहता है, छोटा साइज का, और ये कोशिकी हो गया सिल्वर एंडोस्पर्म, और बीच में जो तरल पदार्थ भरा है वो क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है केंद्र की, और दोनों मिल जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हेलोबियल। अब जो है भ्रूणकोष के कार्य को देखा जाए तो इसका कार्य क्या है, भ्रूणकोष का कार्य, भ्रूणकोष का जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि इसकी कोशिकाएं एंडोस्पर्म की कोशिकाएं भोज्य पदार्थ को संचित किए रहती है, भोजन का संचय किए रहती है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल। फिर इसके बाद जो है दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बीज के अंकुरित होते समय जो है भ्रूणकोष अंकुरण में सहायता प्रदान करता है। फिर इसके बाद जो है इसमें अगली टॉपिक है कि भ्रूण की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भ्रूण को जो है बीज को जो है दो भागों में बांटा गया है। बीज जो है दो प्रकार के होते हैं, बीज जो है भ्रूणकोष के आधार पर बीज जो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, भ्रूणकोषी बीज, भ्रूणकोषी बीज, इसे एंडोस्पर्म एक सीड कहेंगे, इंडो स्पर्मिक सीड, दूसरा जो होता है अभ्रूणकोशी। अभ्रूणकोशी बीज इसे कहेंगे नॉन एंडोस्पर्म, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जिन बीजों में भ्रूणकोष पाया जाता है अर्थात भ्रूणकोष का निर्माण होता है उसे भ्रूणकोषी बीज कहेंगे। अब भ्रूणकोषी बीज के एग्जाम्पल जो है अपना पॉलीप्लेनिक हेमिपिटेलिया और मोनोक्लेमाइडी, ये बीज जो है भ्रूणकोषी होते हैं अर्थात इसमें भ्रूणकोष का निर्माण होता है, इनके बीज में भ्रूणकोष पाया जाता है, सरसों, मूली, बैंगन, टमाटर, नारियल, ये सब जो है भ्रूणकोषी बीज है। ये जो भ्रूणकोष जो होता है बीज को जमने के समय सहायता प्रदान करता है, बीज को अंकुरित होने में सहायता प्रदान करता है, इसे हम जो एंडोस्पर्मिक बीज कहेंगे या भ्रूणकोषी बीज। एक बार फिर परिभाषा सुनिए, जिन बीजों में भ्रूणकोष पाया जाता है या भ्रूणकोष का विकास होता है, भ्रूणकोष रहता है, उसे भ्रूणकोषी बीज कहते हैं, एंडोस्पर्मिक बीज। दूसरा जो है अभ्रूणकोषी बीज या नॉन एंडोस्पर्मिक सी, जिन बीजों में जो भ्रूणकोष नहीं होता है या बीज के बनते समय भ्रूणकोष समाप्त हो जाता है उसे जो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के नाम से जानते हैं। इसमें आप देखेंगे
जो लेगुमिनेसी कुल के पौधे हैं, दलहनी कुल के पौधे, उसमें भ्रूणकोष का निर्माण में बीज के बनते समय भ्रूणकोष यूज कर दिया जाता है, भ्रूणकोष जो है समाप्त हो जाता है। ऐसे बीज में देखेंगे जैसे चना है, मसूर है, उड़द है, मूंग है, ये सब जो है भ्रूणकोषी अभ्रूणकोषी बीज के अंतर्गत आते हैं। आज के वीडियो में जो है बस इतना रहेगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले टॉपिक को मैं अपलोड करूंगा। इस वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक देखें और जो है नोट तैयार करते रहे किताबों की सहायता से, और धन्यवाद।